हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज हम आपके सामने नई रेसिपी लेके आए हैं, शाही पनीर। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो, हम बिना देरी करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर पैन रखेंगे, थोड़ा सा तेल लिया है हमने, थोड़ा सा बटर। शाही पनीर बना रहे तो बटर तो जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, एक दालचीनी लिया है वो डाल देंगे, दो तेज पत्ता डालेंगे, दो छोटी इलायची डालेंगे, दो बड़ी वाली इलायची डालेंगे, ये चार पांच हमने काली मिर्च लिया है वो डालेंगे, इसमें हमने दो ऑनियन कट किए हुए हैं वो डालेंगे स्लाइस में कटे हुए, मिक्स कर देंगे। हमने तीन लहसुन लिया है और अदरक, टमाटर तो हमने कट कर लिया था वो हम डाल देंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, आप जरूर एक बार ट्राई करें। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है ये रेसिपी। हमें 10-12 काजू लिए वो डाल देंगे, हमें सूखी मिर्च लिया है वो भी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें आधा ग्लास गरम पानी डालेंगे, इसको अच्छे से हम उबलने के लिए छोड़ेंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए, कवर करके छोड़ देंगे इसे। चलो हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छे से उबल चुका है। चलो गैस बंद कर देते हैं। इसको आपने उबाला क्यों ऊपर? ताकि हमें इसकी फाइन प्यूरी बनाना है। इसके लिए इसमें से हमें यह तेज पत्ता हटा देना है और बड़ी वाली इलायची वो भी हमें हटा देना है, और दालचीनी भी हमें हटा देना है। अंदर जो फ्लेवर आना था वो अंदर आ चुका है, तो छोटी इलायची भी हम निकाल देंगे। इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। हमारी प्यूरी तो रेडी है, चलो उसको हम छान लेते हैं। हम शाही पनीर बना रहे थे, प्यूरी छानना जरूरी है दोस्तों। अच्छे से हमने छान लिया है, अब हमें शाही पनीर के लिए मसाला रेडी करना है। इसके लिए हमें 2 से 3 चम्मच हमें दही लगेगा, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस ऑन करेंगे और कड़े रखेंगे, थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। जो हमने दही वाला मसाला रेडी करके रखा है वो हम पहले डाल देंगे, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
हमें इसे 2-3 मिनट के लिए सौते करना है ताकि हमारा दही अच्छे से कुक हो जाए। ये 2-3 मिनट के बाद हम जो फाइन प्यूरी हमने बना के रखा था वो हम ऐड करेंगे। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें 2 ग्रीन कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको हम ग्रेवी को अच्छे से पकने देते हैं। चलो हम चेक कर देते हैं। पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हमने ट्रायंगल में कट कर लिया है, तो हम डाल देंगे। हम ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे हम। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश मलाई भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक कस्तूरी मेथी है उसको हम क्रश करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है, दिखने में इतना टेम्पियन लग रहा है तो खाने में कितना बढ़िया लगेगा। हम कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे। चलो हम चेक कर लेते हैं, ये सर्व करने के लिए रेडी है। चलो इसको हम सर्व करते हैं। हम कटे हुए धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, तो खाने में कितने मजेदार बना होगा। दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राई करें रेसिपी। चलो उसको टेस्ट करके बताते हैं हम। गर्मा गर्म बटर नान और शाही पनीर। दोस्तों लाजवाब रेसिपी बनी है हमारे शाही पनीर की। दोस्तों आपको ये मेरी शाही पनीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों सब्सक्राइब करना फ्री है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।